नमस्कार, पांचवें सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पंचायत को स्वच्छ एवं हरित पंचायत के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है। पहले समझिए आखिर क्यों जरूरी है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। आने वाली पीढ़ियां ऐसे परिवेश में अपने भविष्य की शुरुआत करें जहां प्राकृतिक वातावरण परिपूर्ण हो, बेहतर जीवन के लिए चारों ओर हरियाली हो, जहां वे रह रहे हों वहां स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा हो, इसके अलावा वहां साफ स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण तथा संतुलित जलवायु हो। महात्मा गांधी ने साफ और स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए पंचायतों का आह्वान किया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य SDG की शुरुआत की गई है। इन लक्ष्यों को 2016 से 2030 के बीच हासिल करना है। इन लक्ष्यों में प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र, अर्थव्यवस्था तथा प्रभावी कूड़ा कचरा प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण का संकल्प लिया गया है। सतत विकास के लिए स्वच्छ भारत और हरित भारत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पंचायतों में स्वच्छ एवं हरियाली युक्त पर्यावरण सतत विकास की दिशा में अहम कदम है। स्वच्छ एवं हरित पंचायत विषय सतत विकास की इन्हीं अनिवार्यताओं की बात करने के साथ साथ इस पर भी जोर देता है कि पंचायतें किस प्रकार के कार्य करते हुए स्वच्छ एवं हरित पंचायत के लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। हम कब कह सकते हैं कि हमारी पंचायतें स्वच्छ एवं हरित पंचायत है? जब खुले में शौच पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, पंचायत में रहने वाले सभी परिवारों के सदस्यों द्वारा शौच के लिए शौचालयों का ही प्रयोग किया जा रहा हो, जब पंचायत के सभी परिवारों में प्रदूषण रहित ईंधन का उपयोग हो रहा हो, जब सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो और पंचायत एवं उसके आसपास इस नियम का गंभीरता से पालन किया जा रहा हो, जब सभी सार्वजनिक संस्थाओं जैसे आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र आदि में शौचालय की उपलब्धता हो, जब पौधरोपण अभियान के दौरान लगाए गए पौधों का उचित ढंग से रखरखाव हो रहा हो, जब सभी घरों, सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं में कूड़ेदान का उपयोग किया जा रहा हो। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा, अवैध कटाई, वनों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, फर्मों एवं कारखानों द्वारा निकलने वाले दूषित जल को रोकने या उसे कम करने का प्रयास करें, उच्च ढलान वाले क्षेत्रों, बंजर सामान्य भूमि और सड़कों के किनारे पौधरोपण करें, पौधरोपण और लोगों के जैव विविधता रजिस्टर की व्यवस्था करें, प्रदूषण रोधी और स्वच्छता सेवाओं की व्यवस्था को लागू करें, कूड़े कचरे का प्रबंधन करें। आइए हम समझते हैं कि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। हमें अपने देश को स्वच्छ वातावरण देना है तो यह आवश्यक है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों और पंचायतों को बड़ी भूमिका निभानी होगी। उन्हें अपने संसाधनों को इस दिशा में लगाना होगा जिससे गाँव में स्वच्छता हो और आस पास का वातावरण शुद्ध हो, जिससे न केवल ग्रामीण परिवेश स्वस्थ रहेगा बल्कि गांव हरा भरा होने से प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा और हर जीव स्वस्थ जीवन जी सकेगा। गांव स्तर पे स्वच्छता बनाए रखना तभी संभव है जब समुदाय इस जिम्मेदारी को सामूहिक रूप से निभाएं। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है। ये सब तभी संभव होगा जब पंचायत इनको सशक्त करे। ग्राम संगठन उप समिति, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, जल उपभोगकर्ता समूह, शाला प्रबंधन समिति, इसके साथ ही इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना होगा। वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी के माध्यम से हरियाली को और ज्यादा बढ़ावा देना, सभी घरों एवं संस्थाओं में प्रभावी तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना, बायोगैस प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर जल विद्युत संस्थानों की स्थापना पर जोर देना,
सामुदायिक तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देना, कूड़े कचरे को अलग अलग करना, सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के लिए सौर पंप के उपयोग को बढ़ावा देना, किसी भी पंचायत को स्वच्छ एवं हरित पंचायत बनाने के लिए ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई पंचायत इस दिशा में पहल करती है तो निश्चित तौर पर वो पंचायत स्वच्छ एवं हरित पंचायत के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, 15वां वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम और सौर पार्क का विकास। स्वच्छ एवं हरित पंचायत बनाने के लिए इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा है यह सत्र स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।